हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइन आर्ट क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर्ट ऑफ अजंता। फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अजंता, डिस्कवरी एंड रेनोवेशन ऑफ अजंता केव्स। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमने डिस्कस करा था कि जो आपके जो केव्स ऑफ अजंता, कितने केव्स हैं अजंता की, नंबर ऑफ केव्स तो 30 केव्स थी यहाँ पर। और अगर इसको देखें, डिवाइड करें तो टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है चैत्य और स्तूपा, और चैत्य और स्तूपा कौन कौन से केव हैं, 9, 10, 19, 26 एंड 29, ये हमारे जो हैं चैत्य और स्तूपा केव हैं। और विहारा केव जो हैं इनसे अदर, विहारा जो जिसमें वो रहते थे बुद्धिस्ट मोंग, और जो चैत्य और स्तूपा से जो अदर केव्स हैं जितने भी हैं वो सारी विहारा केव्स के अंडर में आती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं डिस्कवरी एंड रेनोवेशन ऑफ अजंता केव्स, देख लेते हैं इसको। 400 ईयर्स दिस प्लेस रिमेन्ड द हाउस ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। इन 1819 सम ऑफिसर ऑफ मद्रास रेजिमेंट सॉ दिस केव फॉर द फर्स्ट टाइम वाइल गोइंग फॉर हंटिंग। तो जैसे कि इसमें पता चल रहा है कि जो 1819 में जो थे सम ऑफिसर्स, कुछ जो ऑफिसर्स थे उनका ग्रुप, मद्रास रेजिमेंट का जो एक ग्रुप था वो अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर आया होगा उस टाइम पे। तो उन्होंने जो था, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूँ, जब वो 1819 में सम ऑफिसर्स, कुछ ऑफिसर मद्रास रेजिमेंट के कुछ ऑफिसर्स अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर आए थे जंगल में, तो उनको जब था रुकने के लिए, स्टे करने के लिए वहाँ पर, जैसे कि वो थक गए होंगे हंटिंग करते हुए, तो वो वहाँ पर रुके थे कुछ समय के लिए। तो उन्होंने जो देखा कि वहाँ पर कुछ मिट्टी का कुछ ढेर सा है या जो भी लगा होगा उनको, तो उन्होंने वहाँ से थोड़ी सी खुदाई करके देखा कि यहाँ पर कुछ क्या है, यहाँ पर उन्हें कुछ लगा होगा। तो जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा कुछ उसको हटा करके देखा तो उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स, कुछ यहाँ पर स्कल्पचर टाइप, तो ऐसे ऐसे देखिए, जैसे इसके इसमें इतनी सारी केव्स इसमें दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी फिर उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ है। तो जब उन्होंने खुदाई करी इसमें या फिर करवाई, तो उन्हें मिल गया कि यहाँ पर बहुत सारा स्कल्पचर है, और यहाँ पर जो है इतनी सारी केव्स हमें उस टाइम पे मिली थी। तो ऐसे इनकी डिस्कवरी हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ था, 1911 जो एक लेडी थी, 1911 में लेडी हैरिंगम कम टू इंडिया विद द हेल्प ऑफ श्री नंदलाल बोस एंड देयर स्टूडेंट्स गोट सम मोर कॉपीज ऑफ अजंता पेंटिंग्स प्रिपेयर्ड। अब जो 1911 में यहाँ पर जो थी एक लेडी हैरिंगम थी जो भारत आई थी उस टाइम पे, और उसने जो बोला था नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर जो बहुत सारे बंगाली आर्टिस्ट थे, उसने बोला था कि आप जो हो, जो ये पेंटिंग बनाई है आपने अजंता की, ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, इतनी सुंदर पेंटिंग है कि आपको इन पेंटिंग पे भी स्टडी करनी चाहिए और आप अजंता पेंटिंग पे और काम करिए। उसको इतनी पसंद आई थी ये पेंटिंग। कहने का मतलब ये है कि ये जो अजंता की केव्स हैं इतनी खूबसूरत हैं ना, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि आपको शायद ही कहीं पर इतनी सुंदर कलाकारी देखने को मिलेगी। तो जो था उन आर्टिस्ट ने इन पर जो स्टडी की थी उनको जो था लंदन आर्ट गैलरी में उनके एग्जीबिशन कराई गई थी, जिनको जो था बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था उस टाइम पे। और यहाँ पे जो है अजंता के उसमें जो है मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पर तीनों ही चीज़ देखने को मिलती हैं और कहीं शायद ना मिलें, जैसे कि पेंटिंग अजंता पे काफ़ी सारी वॉल पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई हैं जिनको म्यूरल बोलते हैं, और उसके बाद पेंटिंग स्कल्पचर, देखिए जैसे कि बुद्धा जी का स्कल्पचर आपको दिखाई दे रहा है, और ऐसे ही देखिए दीवारों पर जो है थोड़ा थोड़ा जो ये बनाए गए पिलर बनाए गए हैं, और इन पे कितना ब्यूटीफुल स्कल्पचर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि पेंटिंग है, पेंटिंग के बाद स्कल्पचर है जो कि आपको दिखाई दे रहा है ये, और उसके बाद देखिए आर्किटेक्चर जो थर्ड है वो आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं कि तीनों का ये जो इतना अच्छा एग्जांपल है ये अजंता की गुफाएं, शायद वो कहीं पे इतना सुंदर देखने को मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर तीनों ही जो है वो तीनों ही चीज़ इतनी अच्छी फॉर्म में मिली हैं, पेंटिंग, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, कुल मिलाकर तीनों ये यहाँ पर मिली हैं। तो इस तरह से इनकी डिस्कवरी हुई थी। और ये चैत्य केव थी, विहारा केव थी, जो चैत्य केव होती थी उसमें ये पूजा करते थे, अपने रिलीजियस थीम को डिस्कशन करते थे, और जो विहारा केव होती थी उसमें ये रहते थे। तो ये टोटल जो है अजंता का चैप्टर हमारा
धीरे धीरे इस तरह से कवर हो जाएगा। आज हमारी डिस्कवरी हो गई है अजंता की, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कैसे डिस्कवरी हुई थी। तो आज के लिए इतना ही।